से, इसलिए लगाते ताकि बर्ड्स बाहर ना आए। सो गाइस, जैसे मैं अंदर एंटर किया, यहाँ का लुक और इन लोगों ने जो यहाँ पे बनाया है बर्ड्स के लिए ना, बहुत ऑसम है। और मुझे मिली है आरती मैम, तो आरती मैम हम लोग को पूरा समझाएगी अंदर कौन से बर्ड्स है, कौन से स्पीशीज है अंदर। तो मिलाते आरती से अभी। मेरा नाम आरती है और मैं यहाँ पे एक बर्ड कीपर हूँ। सो आई टेक यू थ्रू द एवरी। और ये जो एवरी है, ये स्मॉल बर्ड एवरी है और इसमें अराउंड 30 स्पीशीज का अराउंड 400 बर्ड्स हैं। और एक छोटे से लेकर 2 फीट तक के बर्ड्स यहाँ पे साथ में रहते हैं। अभी तक ऐसा कुछ इनमें फाइट देखने को नहीं मिला है, तो ये बहुत हार्मनी से यहाँ पे सब साथ में रहते हैं। तो जो फर्स्ट बर्ड हम यहाँ पे देखेंगे, ये डायमंड डव है। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये डव स्पीशीज़ में सबसे छोटे होते हैं। और आप इनके फेदर्स को देख सकते हैं, वाइट कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, तो इस वजह से ही इसको डायमंड डव बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि उसके फेदर्स में डायमंड लगे हुए हैं। फिर जो ब्लू कलर का बर्ड देखेंगे, उसको ब्लू मॉन्ग पैराकीट बोलते हैं। ये साउथ अमेरिका के हैं और ये इकलौती ऐसी पैरट स्पीशी है जो नेस्ट बनाती है। बाकी पैरट्स मोस्टली इसलिए जाने जाते हैं कि पैरट्स जो होते हैं वो नेस्ट नहीं बनाते हैं, वो ट्री ट्रंक में होल करके या जो ऑलरेडी होल्स होते हैं उसमें अपना नेस्ट, उसमें एग्स ले करते हैं। बाकी एक लौती ऐसी पैरट स्पीशी है जो नेस्ट बनाती है और यूजुअली ये लोग एकदम ट्री का टॉप चूज करके नेस्ट बनाते हैं। तो जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं यूनिक हैं, वैसे ही उनका भी एक तरह से फिंगरप्रिंट बोल सकते हैं, तो ये यूनिक होता है, किसी भी दो मकाओ में सेम नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद ये जो हम बर्ड देखते हैं, ये ब्लू गोल्ड मकाओ है। ये साउथ अमेरिका का है और ये मकाओ स्पीशीज़ में, ये पैरट स्पीशीज़ में थर्ड लार्जेस्ट पैरट है ये। और इसको देख सकते हैं, इसकी आइज़ के आसपास आप जो लाइंस देखेंगे ये यूनिक होती है, किसी भी दो मकाओस की आइज़ के आसपास की जो लाइंस होती हैं ये सेम नहीं होंगी, तो दे आर यूनिक लाइक अ फिंगरप्रिंट्स। और अभी ये 1.5 इयर्स की है। इनको जो फीमेल्स होती है उनको मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए जो इनका ब्रीडिंग पे यूजुअली बनाते हैं वो मेल्स यूजुअली फीमेल्स से छोटे होते हैं एज में। और ये जो है, ये ऑरेंज विंग्ड अमेज़न है, ये साउथ अमेरिका का है। और इसके विंग्स देख सकते हैं साइड में ऑरेंज कलर के हैं, इसलिए इसको ऑरेंज विंग्ड अमेज़न बोलते हैं। और ये मिमिक करना सीख सकते हैं, बोलना सीख सकते हैं, इनको ट्रेन करके ओके नखला सीड खिला सकते हैं, सीड खिला सकते हैं। तो अभी ये छोटे हैं, फिनिश कर रहा है अभी वो, इसके मुंह में जो है खा रहा है, अभी फिनिश नहीं हुआ है उसका। तो मेरा भाई ट्राई कर रहा है खिलाने का। देख सकते हैं एक लिप्टिस पैरेट जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, राइट उसकी फीमेल अंदर रहती है, वो पूरी रेड और ब्लू, डार्क रेड और ब्लू कलर की। आगे और एक्लिप्टस पैरेट में ऐसा होता है कि वो अपना पैर खुद चूज कर सकती है, मतलब वो उसको अलग अलग मेल उसको फीड करेगा, उसके लिए खाना ला के देगा, बट वो फीमेल की इच्छा होती है कि वो किसके साथ पैर बनाना चाहती है। और उसके बाद में रेड कलर का है, वो रेड है वो फीमेल है। हाँ। और जो पूरा ग्रीन है और रेड ऑरेंज बीक है वो मेल है। ओके, तो गाइस यहाँ पे है लेकिन बहुत अंदर है, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जो आरती जी ने कहा है, हाँ इधर से दिख रहा है। तो ये है फीमेल और ये है मेल, अब दोनों मेल कर रहे हैं।
इनको जावा फिंचेस बोलते हैं। ये जावा आइलैंड इंडोनेशिया की है और ये फिंचेस की स्पीशी है। और इसका स्पेशलिटी ये कि ये पानी सक करती है, जैसे हम स्ट्रॉ से पानी सक करके पीते हैं वैसे ये भी सक करके पानी पीते हैं। अच्छा, और ये जो है ये पाइनएप्पल कुनूर है। इसका नाम, इसका जो कलर है, ये पाइनएप्पल जैसा कलर दिखता है उसका, इसलिए उसको पाइनएप्पल। राइट। कलरफुल है बहुत, मतलब ब्लू, ग्रीन, रेड, वाइट सब मिक्स है। हाँ, इन लोगों का मस्ती चल रहा है। चलो, हेलो हेलो, आई शो यू दिस। ओह माय गॉड, इन लोगों ये लोग हेलो कर रहे हैं। हेलो, देख सकते हैं इसका ये क्रेस्ट है। हाँ, और ये एक्साइटेड होते हैं तो इस क्रेस्ट को खोल देते हैं। ओके, आप में से कोई हाथ में लेना चाहता है? तो गाइस मैं पकड़ रहा हूँ। उठा रहा हूँ। हेलो, नो। तो ये इनको हमेशा कुछ ना कुछ बाइट करने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा इनको क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या है। जैसे अब उसको वॉच दिख गई है तो वो वॉच के मतलब वो पूरा देखेगी, पूरा उसको काटने की कोशिश करेगी। अच्छा, बैठे बस, हाथ मत काट, मौज कर दी, मौज वॉच चलेगा। ओवरऑल कितना स्पेसिस है यहाँ पे बर्ड का? अराउंड 30 स्पीसीज। बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो अंदर ही अंदर घूमती हैं। यहाँ पे क्वेल्स भी हैं। ओके, तो क्वेल्स ज़्यादा उड़ नहीं पाती हैं तो यूजुअली वो ग्राउंड बर्ड है तो वो नीचे ही घूमती रहती है। तो नीचे बहुत सारा, नीचे से भी कभी भी कोई ना कोई बर्ड आ सकता है वहाँ, तो देख के चलना पड़ेगा अपने को भी। तो गाइस ये शेल्टर से जैसे आरती मैम ने बताया वैसे, और एक वाइट वाला है ना, वो वाइट है, येलो है। कॉकाटू स्पीशी में ये बड़े बर्ड हैं। ये सल्फर क्रेस्टेड कॉकाटू है। ओके, इसका नाम, इसका आप देख सकते हैं जो क्रेस्ट है वो सल्फर कलर का है। ओके, इसलिए इसको सल्फर क्रेस्टेड कॉकाटू बोलते हैं। और ये बहुत इंटेलिजेंट बर्ड है। अगर हम इनके साथ कोई एक्टिविटी के लिए प्रैक्टिस करें तो कुछ चीज़ वो सिखाएँ तो ये बहुत जल्दी सीख जाते हैं। साक्षी जी बताइए। सो दिस वन इज अफ्रीकन ग्रे पैरेट। ये कॉन्गो आइलैंड अफ्रीका से है। ये कॉन्गो आइलैंड अफ्रीका से है। सो दिस इज ऑलमोस्ट 9 years old। ये यहाँ की सबसे बड़ी पैरेट है और ये फीमेल है। एंड इसके बारे में खास बात ये है कि ये पहली चीज ये रेस्क्यूड है। हाँ, ये यहाँ की नहीं है, हम इसको लेके नहीं आए, ये रेस्क्यूड है। ये जो है इसको लाइक अदर पैरेट्स इलीगली एक ठेले पे बेचा जा रहा था और वहाँ से इंफॉर्मेशन हमको मिली थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। सो इसको वहाँ से लेके आए थे। एट फर्स्ट शी वॉज वेरी शाय, एक्चुअली शी इज वेरी शाय। सो एट फर्स्ट शी वॉज इतनी शाय थी कि वो सिर्फ एक कोने में एक पेड़ पे बैठी रहती थी। बट देन वन ऑफ आवर वॉलंटियर श्वेता, उसने इसके साथ बहुत इंटरेक्ट किया, इससे बातें की, इसको बहुत अच्छे से ट्रेन किया। सो नाउ शी इज लाइक ये पूरे में उड़ती है, आके सब जगह बैठती है, हम लोग को पहचानती भी है। ये जिसको पहचानती है उससे उसके साथ कंफर्टेबल होती है, उससे बातें भी करती है। अदरवाइज शी इज लाइक वेरी कीन टाइप, लाइक उसको हर चीज जानना है। ये इतनी ज्यादा लाइक इफ यू आर डूइंग समथिंग सो शी विल बी देयर एंड शी विल नोटिस यू कि आप क्या कर रहे हैं। एंड इसकी खास बात यह है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पैरेट स्पीशीज है। एज शी कैन ऑलमोस्ट लर्न अप टू 2000 वर्ड्स एंड स्पीक। ओके, हां, एंड इसके अलावा शी कैन शी वांट्स इट। इसके अलावा ये आपको रिप्लाई कर सकती है, लाइक शी अंडरस्टैंड्स योर डायलेक्ट कि आप क्या बोल रहे हो। इफ दे आर हाईली ट्रेन्ड, दिस वन इज नॉट दैट ट्रेन्ड, वी आर ट्रेनिंग हर। इसके अलावा लाइक इफ यू डू से इफ शी इज ट्रेन्ड, इफ यू डू से हाउ आर यू, शी विल रिप्लाई यू आई एम फाइन। व्हाट्स हर नेम? इट्स हर नेम है अफ्रीकन ग्रे पैरेट। आपका दिया हुआ नाम क्या है? गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से
और स्पेशल थैंक्स टू आरती जी, उन्होंने हम लोग को बहुत इन्फॉर्मेशन दिया यहाँ का, तो हम लोग ऐसे घूमने वाले थे, खाली फोटो खींचने वाले थे, तो थैंक यू आरती जी, तो मिलते हैं वापस कभी आए तो। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस अभी जू से निकले और अभी आ गए लालबाग पैलेस, लेकिन यहाँ पे मैं शूट नहीं कर सकता, अंदर शूट अलाउड नहीं है, तो बाहर से एक बार देख लो पैलेस कैसा है। तो ये लालबाग पैलेस, एक्चुअली इसका हिस्ट्री ऐसा है कि शिवाजी होलकर करके थे जो शाही खानदान में से एक है, इन्होंने बनाया था, और होलकर फैमिली यहाँ पे रहती थी, बस इतनी हिस्ट्री उसकी मुझे पता है उतनी। तो ये पैलेस है लालबाग पैलेस। A few inches later. तो ये हमारा रूम है 2 nights का, ये बाथरूम, और यहाँ पे बेड है, बस उतना ही है, और बाहर देखने जैसा कुछ नहीं है, नॉर्मली सिटी दिख रहा है यहाँ का बस। और ये सामने तो मिलता हूँ थोड़ा फ्रेश होने के बाद।